कोई स्टेटमेंट वगैरह देना चाह रहे हो तो दो। अगर जाफर साहब ये नहीं समझते मैं करता गुलाम गुलाम भुगत रहे हैं आप। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फयाज महमूद और आप देख रहे हैं फयाज महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, एडिशनल सेशन जज अता रुबानी साहब की अदालत से बड़ा फैसला आ गया है और वो फैसला है किस्मत का, जो फैसला कर दिया गया है ज़ाहिर जाफ़र की। अब ये जो मामला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाता हुआ वापस दिखाई दे रहा है। इस पर अब से कुछ ही देर कबल ये फैसला आया है, तहरीरी फैसला आएगा तो इसकी मैं डिटेल्स आपको बता दूंगा, लेकिन जो पागलपन वाली दरख्वास्त है उस पर फैसला सुना दिया गया है कि मेडिकल बोर्ड तश्कील दे के ये तयन किया जाए कि आया कि वो ज़हनी तवाज़ुन उसका दुरुस्त है या फिर नहीं। इस पर एडिशनल सेशन जज अता रुबानी साहब ने फैसला सुनाया है। आज की जो कार्रवाई है इस पर मैंने आपको थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर दूं, क्योंकि जिन लोगों ने पहले वाली वीडियो नहीं देखी ताकि उनको मालूम हो जाए, और फिर मैं इसका जो अदालती फैसला है वो सुना देता हूं कि जो फैसला आया है। सबसे पहले तो जी, आज अदालत में समाप्त थी, इस पे आर्गूमेंट्स किए गए और शाह खावर एडवोकेट जो शौकत मुकदम साहब के वकील हैं उनकी जानब से आर्गूमेंट्स किए गए, और दूसरी जानब से ज़ाहिर जाफ़र के वकील सिकंदर जुल्कर्नैन एडवोकेट साहब, इन्होंने दलाइल की, और साथ ही साथ जो स्टेट काउंसिल हैं उन्होंने भी अपने दलाइल को मुकम्मल किया, जिस पे फैसला महफूज किया गया था और उससे अभी कुछ ही देर पहले इस पे फैसला सुनाया गया है। सबसे पहले तो जो शाह खावर एडवोकेट साहब थे उन्होंने कहा कि ये इस स्टेज पे ये दरख्वास्त आ नहीं सकती थी और ये दरख्वास्त वैसे भी नाकाबिल समात है, इस पे आना नहीं चाहिए था। उसके बाद उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट ये बात बताई, उनके वकील जो सरकारी वकील हैं उन्होंने कहा कि इस मरहले पे भी दरख्वास्त आने की कोई लॉजिक नहीं समझ आती, और वैसे भी हर मौके पे ज़ाहिर जाफ़र को वकील की मामनत हासिल थी, और जब चार्ज फ्रेम किया गया, उन्होंने एक आर्गूमेंट यहाँ पे लिया, उन्होंने कहा जब चार्ज फ्रेम किया गया तो उस दिन उस पे ज़ाहिर जाफ़र ने अपना ऊपर लगे हुए तमाम तर इल्ज़ामात को पढ़ा, पढ़ने के बाद एक एतराज़ उन्होंने उठाया, उसने एतराज़ ये उठाया कि शवाहद ज़ाया करने से मुतालिक मेरे ऊपर क्यों चार्ज फ्रेम किया जा रहा है, मैंने तो ऐसा कोई शवाहद ज़ाया नहीं किया। तो जिस पे उन्हें बताया गया कि चार्ज जो शवाहद ज़ाया करने का इल्ज़ाम आप पे नहीं है, तो जिसके बाद उन्होंने पढ़ने के बाद अदालत के सामने उस चार्ज फ्रेम पे साइन कर दिया, यानी कि वो एक एक चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहा था, समझ रहा था, और समझने के बाद उसने दस्तखत किए। हालांकि ये उस वक्त कार्रवाई की, इस पे निसार साहब जो हैं मुआवन वकील हैं शाह खावर एडवोकेट साहब के, निसार असगर साहब, उन्होंने अदालत की ये मामनत की कि जो दस्तखत वाला मामला है जो पिटीशन में लिखा गया है वो उस दिन जब चार्ज फ्रेम किया गया था तो वो ज़ाहिर जाफ़र के पेरेंट्स ने दस्तखत नहीं किए थे। हाँ, ज़ाहिर जाफ़र ने उस चार्ज फ्रेम के ऊपर दस्तखत कर दिए थे, एक ये मामला आज डिस्कस हुआ जी। उसके बाद उन्होंने ये भी लिखा है कि जो उस फिर उसकी कंपनी का हवाला बताया गया, तमाम तर डिटेल्स बताई गई, उसकी जो एजुकेशन है उसका हवाला दिया गया, उसकी जो मुख्तलिफ कंपनियों में उसका जो डेजिग्नेशन है, उसका रोल है, उसको अदालत के सामने एक्सप्लेन किया गया, और इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर सिकंदर जुल्कर्नैन साहब ने एतराज़ किया और उन्होंने कहा कि ऐसी बात नहीं है, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के हवाले दिए गए हैं स्टेट काउंसिल की जानिब से वो इनके ही अगेंस्ट जाते हैं, वो आज तक वहाँ पर ये कभी ट्रायल कोर्ट में प्ली ली ही नहीं गई थी। तो उन्होंने अदालत को मुख्तलिफ आर्गूमेंट्स दिए अपनी क्लाइंट के हक में कि उनका जो मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाए, ऐसा ना हो कि, जाहिर है एक मकसद ये भी है कि ऐसा ना हो कि वो ये समझते हैं कि किसी बेगुनाह को सज़ा हो जाए, तो मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया जाए ताकि मेडिकल बोर्ड इस बात का तयन कर ले कि आया कि उसका जो जहनी तवाज़ुन है वो दुरुस्त है या नहीं, इस बात का जायज़ा लिया जा सकेगा।
तो जिस पे अदालत ने जी नाजरीन फैसला फिर महफूज कर लिया था और उसके बाद अदालत ने फैसला अब सुना दिया और वो फैसला ये आया है कि ज़ाहिर जाफ़र के वकील जो सिकंदर ज़ुल्कर्नैन हैं या जो स्टेट की जानिब से हैं और ज़ाहिर उनकी फैमिली भी उसमें ओके है, तो उनकी जानिब से दायर दरख्वास्त को एडिशनल सेशन जज अता रुबानी साहब ने डिसमिस कर दिया है, दरख्वास्त को खारिज कर दिया है। अब इसकी ज़ाहिर है तहरीरी जो रीज़न्स हैं, वजूहात हैं कि वो क्यों डिसमिस हुई, उस पर जब कल तहरीरी फैसला आ जाएगा तो इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। और ज़ाहिर है ये मामला अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक उसी तरह जैसे जो अमजद जो है ज़ख्मी अमजद महमूद उसका मामला भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद है। तो ये बज़ाहिर वहाँ पर आमिर फ़ारूक साहब की अदालत में एक बार फिर ये मामला पहुँचेगा और वहाँ पर अब ये देखा जाएगा कि आया कि मेडिकल बोर्ड तश्कील देना है या नहीं देना। ये मेरी एक राय है, जाहिर है उनके वकला जो हैं इस पर गौर करेंगे और गौर करने के बाद ही वो डिसाइड करेंगे कि वो इसको चैलेंज करें, और अगर वो चैलेंज करते हैं तो फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये मामला आ जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद नाज़रीन आज जो जब तारीख का तायुन किया जा रहा था, जिस वक्त कहा जा रहा था कि 15 और 17 तारीख रख लें और जो पहले सैटरडे की तारीख रखने का फ़ैसला किया गया, तो वकला की जानिब से बताया गया कि सैटरडे को तो वकला का इलेक्शन है और उस दिन पॉसिबल नहीं है, दोनों साइड से यही कहा गया। और फिर ये कहा गया कि जो शौकत मुकदम साहब की स्टेटमेंट है आज नहीं हम करवाएँगे बल्कि ठीक उसी दिन करवाएँगे जिस दिन क्रॉस एग्ज़ामिन करेंगे दोनों जितने भी वकला हैं, उसी दिन हम करेंगे, पार्शियली हम नहीं करवाना चाहते। ये इस तगासा की जानिब से मौक़िफ़ लिया गया जिसको मंजूर कर लिया गया। और अब अगली डेट ऑफ हेयरिंग पे 15 और 17 तारीख को इनका बयान भी कलम बंद किया जाएगा और साथ ही साथ उन पर जो है क्रॉस एग्ज़ामिन भी किया जाएगा। उसी दौरान जो सिकंदर ज़ुल्कर्नैन साहब हैं उन्होंने एक नुक्ता उठाया, उन्होंने कहा कि एक ट्रायल यहाँ पे भी चल रहा है, आप वाजे कर दें कि जो 17 तारीख का आपको एतराज़ नहीं है, और क्योंकि एक ट्रायल यहाँ पे चल रहा है और एक ट्रायल कहीं और चल रहा है। वहाँ पे हम सब बड़े हैरान हुए कि यार ये क्या मामला है, कहाँ पे ट्रायल चल रहा है। तो फिर उन्होंने वजाहत की, उन्होंने कहा कि मैं एज इट इज़ जो बोला उन्होंने सिकंदर साहब ने कि ट्रायल और भी कहीं चल रहा है और हमें फिर गालियों से नवाजा जाता है सोशल मीडिया पर। तो उस पर जो है अकरम कुरैशी साहब जो थेरापी वर्क्स के वकील हैं उन्होंने भी इसमें हाँ में हाँ मिलाई, उन्होंने कहा कि हमारे ख़िलाफ़ वहाँ पे सोशल मीडिया पे महाज खड़ा कर दिया जाता है, हमें गालियाँ दी जाती हैं। और जिस पे निसार असकर साहब ने इशारा करते हुए कहा कि शाह खावर एडवोकेट नहीं देते या हमारे अकाउंट से नहीं दी जाती, तो ये आप क्लियर कर दें ऐसा ना कि हमारे ऊपर डाल दें। तो उस पर अकरम कुरैशी साहब ने कहा कि इनके जो क्लाइंट को जिनको बल्कि उन्होंने कहा जिनको ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो उनके लोग हमें गालियाँ देते हैं। तो जिस पे शाह खावर एडवोकेट साहब ने कहा कि ये बड़ी नामुनासिब बात है, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो इस पर वो इसको देखेंगे और इस मामले को हल करवाएंगे, क्योंकि किसी के खिलाफ भी इस तरह का जो है ना गालियाँ देना वो इंतहाई नामुनासिब बात है। उसके बाद जब डेट फाइनल होगी तो अदालत ने यह भी एक रिमार्क दिया, उन्होंने कहा कि मुझे खौफ है कि जो एक्सटेंशन दी गई है इसमें अगर ट्रायल कंक्लूड नहीं होता तो अदालत हमें इस्लामाबाद हाईकोर्ट मजीद इस पर वक्त नहीं देगा, तो इसलिए उन्होंने कहा कि हमने हर सूरत इसको मुकम्मल करना है और अब अगली हियरिंग पे शौकत मुकदम साहब का बयान होगा और केस जो है हतमी मरहले में दाखिल हो गया है। नाज़रीन ये था आज का हमारा वीलॉग, अपनी दुआओं में याद रखिए, मुझे दीजिए इजाज़त और जहाँ से भी आप देख रहे हैं अपने शहर का नाम ज़रूर लिखा कीजिए ताकि मुझे मालूम हो कि हमारे जो देखने वाले हैं कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।